हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन अली, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम कॉइन के बारे में। इथेरियम कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिप में जा चुकी है। इथेरियम कॉइन की लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या इसकी प्राइस प्रेडिक्शन रह सकती है? इसकी प्राइस प्रेडिक्शन इन 2018, 2019, 2020 तक हम इथेरियम कॉइन को किस प्राइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या गेम चल रही है? जो आप देख रहे होगा कि कॉइन मार्केट कैप है, जो बहुत बड़ी बड़ी हाई वॉल्यूम आई क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिसमें रिपल कॉइन हो गया, जिसमें इथेरियम कॉइन हो गया, इवन दैट ट्रॉन को भी आप लगा लो, एडीए कॉइन होगा, ये बहुत ही ज़्यादा डिप में जा चुके हैं। इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको मार्केट में को भी समझने में मदद मिलेगा, और आप इनको प्राइस को प्रेडिक्ट करने में भी मदद मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि बड़ी जो वेल्स हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो आपके साथ क्या गेम प्ले कर रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाली है और इंटरेस्टिंग भी है इसमें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्रिप्टो करेंसी की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो भी टाइम टू टाइम दी जाती हैं, और फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आप में से कितने परसेंट लोगों को ये लगता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड में रेगुलेट हो जाएगी एज ए पेमेंट मेथड, या गवर्नमेंट लेवल पे कंप्लीटली 100% रेगुलेशन हो जाएगी मेजोरिटी इन वर्ल्ड वाइड में? मेजोरिटी की बात करो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, पाकिस्तान और स्पेसिफिक कंट्री जहाँ पे अभी लीगल नहीं हुई है, मैं बात कर रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड में, मेजोरिटी में। तो आप में मेरा जो मानना है, जो मेरा बिलीव करना है, वो बहुत ही जल्द विद इन 1 या 2 ईयर के अंदर अंदर रेगुलेशंस रूल आ जाएंगे, और ये एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा, इवन दैट इन यूके, यूएसए में और कनाडा में। कनाडा में भी क्रिप्टो करेंसी के कार्ड आ चुके हैं, इवन दैट आप डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो क्रिप्टो करेंसी से पे कर सकते हैं। इवन दैट आई एम ऑल्सो यूजिंग क्रिप्टो करेंसी कार्ड, जो कि आप जिससे मैं इवन दैट दूध की जो बॉटल्स होती हैं और इवन दैट के घर की जो ग्रोसरी चीज़ें होती हैं वो भी मैं क्रिप्टो करेंसी से पे करते हैं। वो क्या करती हैं कंपनीज, ऑटोमेटिकली आपकी क्रिप्टो करेंसी को पाउंड्स में या डॉलर्स में या जो भी आपके लोकल करेंसी जहाँ पे ये कार्ड्स होते हैं वो इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो कन्वर्ट कर देते हैं तो उनसे आप डेली लाइफ की चीज़ें कहीं से भी किसी भी शॉप से आप बाई कर सकते हो। दैट्स मीन क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे पेमेंट मेथड एक्सेप्ट हो चुका है। इवन दैट इन लंडन बसेस के पीछे भी, और अगर मैं ट्रैवल करता हूँ ट्यूब स्टेशन के मतलब ट्यूब जो अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं ट्यूब स्टेशन में, वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगे हुए होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को बाई करें, ये वाली हमारी एक्सचेंज है, और आगे वो प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। विद इन 2 या 3 ईयर में मोस्टली ये रेगुलेट हो जाएंगी, सही? तो जब ये रेगुलेशन हो जाएंगी तो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को कौन बाई करेगा? जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, राइट? जब आपके जो जिनके पास ज़्यादातर पैसे होंगे वो क्या करेंगे, क्रिप्टो करेंसी को बाई करेंगे। जैसे मुझे लग रहा है, इवन दैट कि आई एम ए स्मॉल इन्वेस्टर, जैसा कि मुझे लग रहा है कि ये रेगुलेट हो जाएगी, और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी वेल्स हैं, वो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, उनको तो पहले पता चल जाता है ना कि ये रेगुलेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है, क्रिप्टो करेंसी के नहीं स्टार्ट हुई है। यू नो फाइनेंशियल एडवाइज़र भी होते हैं जो कि माइक्रो और मैक्रो लेवल पे उनको एडवाइस देते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाई करना शुरू कर देंगे। अभी अभी वो बाई कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें चाहिए चीप प्राइसेस। जब चीप प्राइसेस पे उनको मिलेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाई करेंगे और आगे फ्यूचर में उसको यूटिलाइज करेंगे। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो मार्केट को नीचे भी लेके आ सकता है, मार्केट को ऊपर भी लेके आ सकता है। वक्ती तौर पे जब वो मार्केट को यहाँ से यहाँ लेके आते हैं ना नीचे, ठीक है, उनमें से उनको प्रॉफिट कैसे होता है, जब हम पैनिक सेलिंग करके अपने जो कॉइन है, अच्छे वाले कॉइन है, उसको सेल कर देते हैं, राइट? जब हम सेल कर देते हैं वही कॉइन उनको बाई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की डेट में जो हमें प्राइस मिल रही है, जो शायद हमें ना मिले, हो सकता है उनका टारगेट 250 या 220 डॉलर या 200 डॉलर ना हो,
मैं इथेरियम की बात कर रहा हूँ लेकिन एग्जाम्पल मैं सबकी दे रहा हूँ, उनका टारगेट हो सकता है $150 हो या $180 हो, कि यहाँ तक लेके आना, फिर बल्क क्वांटिटी में बाई करना है। जब वो बाई करेंगे तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच जाएगी। तो वो क्या करें कर रहे हैं, वो इसको चीप प्राइसेस पे बाई कर रहे हैं। अभी मैं अगर कॉइन मार्केट कैप खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसकी, मैं आपको टोटल गेम बताता हूँ। इथेरियम कॉइन जो है अभी, इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो है $22 बिलियन। अनबिलीवेबल, मार्केट इतनी ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, इतने ज़्यादा पैसे उनसे बिलियन डॉलर्स में निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी इथेरियम की जो मार्केट कैप है वो है $22 बिलियन। और इसकी जो 24 आवर का जो वॉल्यूम है $1.6 बिलियन है, $1.6 बिलियन। ये कैसे मेंटेन है, ये क्यों हो सकता है ये थोड़ा सा कम हुआ, ओवेज जब मार्केट की मैनिपुलेशन होती है तो हो सकता है ये कम हो, लेकिन ये है कि ये अभी भी इतने हाई वॉल्यूम आइज पे क्यों है, ये क्या अभी अभी भी क्यों टॉप 2 पे क्यों है। ठीक है, ये मैं देख लेता हूँ। ये देखें, इथेरियम टॉप 2 पे, रिपल कॉइन जो है वो टॉप 3 में, बिटकॉइन कैश टॉप 4 में है। ये इतना क्यों है, ये बेसिकली है जो मैनिपुलेटर हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बाई कर रहे हैं और हम पैनिक होके सेल कर रहे हैं। सही, कितने अभी कॉइन कॉइन मार्केट कैप पे अभी कितने आईसीओज हैं, मैं आपको सारे इफेक्ट्स बता रहा हूँ। वीडियो माइट भी थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन आप कुछ ना कुछ सीख के निकलोगे, चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी देखें कॉइन मार्केट कैप पे टोटल जो कॉइन है ना वो हैं 1921 कॉइन है, 1921, 1921 से हैं, 21 क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी हैं। इनमें कितने ज़्यादा जो कॉइन हैं जो ERC20 टोकन है, ERC20 टोकन मीन के जो इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे हैं, आई थिंक सो मोर देन 80% जो हैं वो इथेरियम, माइट बी मोर देन 90% इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे हैं। कुछ इथेरियम के हैं, कुछ डायरेक्ट बिटकॉइन पे आए हैं। ठीक है, कुछ इसके कंपेटिटर कौन कौन से, कार्डानो हो गया, नियो हो गया जिसके ऊपर बनते हैं, क्यूटम हो गया, कोमोडो हो गया, राइट। इस तरह जो भी इनके ऊपर बनते हैं, जो डैप्स बनती हैं जिनके ऊपर, वो इथेरियम का वो है कंपेटिटर। अभी जो इथेरियम के ऊपर आए हैं वो मोर देन 80% जो हैं, रफली मैं आपको गैस बता रहा हूँ, इतने कॉइन ERC20 टोकन का, ERC20 टोकन है और इथेरियम का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। जब पूरी की पूरी मार्केट को 80% जो कॉइन्स हैं वो इथेरियम ने उसको कवर किया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो वक्ती डिप है ये आपको परेशान कर सकता है। ये एक ऐसा कॉइन है, ये हो गया रिपल कॉइन, अभी की जो एग्जिस्टिंग प्राइस बता रहा हूँ, ये एक ऐसे कॉइन है जिसको आप सो भी जाओ ना आराम से, कि सुबह हो जाएगा कोई मसला नहीं, थोड़ा सा नीचे भी आ जाएगा, तो ये उनमें से हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन देंगे, आराम की नींद देंगे, कोई बात नहीं हो भी गया नीचे तो ये ऊपर चले ही जाएंगे। जब 20% जो है वो ERC20 टोकन ने कवर किया हुआ है कॉइन मार्केट कैप को, इथेरियम को, इथेरियम की बजाते खुद इसकी अपनी कॉइन में, मैंने आपको बताया जो अभी आपको बताया कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है, वो सिर्फ इथेरियम का है, जो इथेरियम के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं वो टोटल ओवरऑल मिला के, जो आपको टोटल मार्केट कैप जो आज नज़र आ रहा है ना आपको, जो 200 बिलियन के राउंड अबाउट है, ये देखिए $204 बिलियन के करीब है जो, राइट, वो टोटल ओवरऑल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन है ना वो है नंबर 1 पे बिटकॉइन की, फिर इथेरियम के। तो इथेरियम को अभी अगर आप बाय करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ देते हैं तो बड़ी ही जल्दी आई एम एक्सपेक्टिंग के ये वाला जो कॉइन है दिसंबर में, आई कैन एक्सपेक्ट किससे मोर देन, अगर तो बुल रन आता है जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इससे पहले पहले बुल रन आएगा दिसंबर में, तो इसको हम 500+ देख सकते हैं, $500 से अबव, और इसको 2019 के एंड पे मैं मोर देन $1,500 पे रफली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 2020 पे मैं इसको मोर देन $3,000 पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम अज़ कम। ये मेरा अपना डाटा नहीं है, ये मैंने जो सर्च करता हूँ अदर जो वेबसाइट होती हैं जो कि प्राइस प्रेडिक्शंस देती हैं, तो वहाँ पे उनका जो डाटा है वो उन्होंने तो और ज़्यादा बताया, 10,000 तक भी कई कई लोगों ने बताया हुआ है वहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं। लेकिन इसकी अगर मैं रेशो निकालूँ सबकी तो वो 3,000 पे आके टू टू ईयर के अंदर 3,000 से $5,000 पे आके सारे के सारे एग्री करते हैं।
आई एम कम्प्लीटली बुलिश इन इथेरियम, थोड़ा सा नीचे भी आता है, मैं उसको और बाई करूंगा। और ये एक पर्सनल मेरी एडवाइस है, ये प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है। आपके प्रॉफिट या किसी भी लॉस की जिम्मेदारी मैं बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप खुद से भी स्टडी किया करें, मार्केट कब ऊपर नीचे हो जाए, फ्लक्चुएशन होती है, पता नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म में मैं बुलिश हूँ, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। आप इसको होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसे लगी वो भी बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फॉर नाउ थैंक यू।